नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दुनिया भर में आतंक मचाने वाले आतंकवादियों पर बनी फिल्म 72 हूरे का ट्रेलर रिलीज होते ही राजनीति तेज हो गई। सिर्फ ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कहीं पर फिल्म का विरोध शुरू हो गया तो कहीं पर इसका समर्थन भी देखने को मिला। इसके साथ ही कट्टरपंथियों ने बवाल काटना भी शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर फिल्म की टीजर ट्रेंड कर रहा है, यूजर्स को ये काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के लिए लोगों की उत्सुकता भी बढ़ रही है। एक ओर जहां अधिकांश लोग टीजर देखने के बाद तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कट्टरपंथी बुरी तरह से बौखला गए हैं। सोशल मीडिया ट्रोल्स जमकर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। फिल्म बनाने के लिए मेकर्स को गालियां तक दी जा रही। कुछ तो फिल्म के टीजर को ओडिशा में हुए रेल हादसे से ध्यान भटकाने की साजिश तक करार दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौलानाओं का कहना है कि धर्म की आड़ में आतंक को पनाह देने की कहानी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं। लोग फिल्म को लेकर भला बुरा कह रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मूवी को लेकर मुरादाबाद में मुस्लिम धर्मगुरु ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये जो फिल्म का नाम दिया गया है यही पूरी तरीका से गलत है। द केरला स्टोरी के बाद इस फिल्म को लेकर भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। मेकर्स के मुताबिक ये फिल्म आतंकवाद और ऐसे लोगों के विरोध है जो धर्म का हवाला देकर युवाओं का वो ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल कर दिया जाता है। तो वहीं सूफी इस्लामिक बोर्ड ने इस फिल्म का समर्थन करते हुए स्वागत किया है। यहाँ तक कि सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी का कहना है कि हम उन कट्टरपंथी संगठनों की मुखालफत करते आ रहे जो मुसलमान नौजवानों को 72 हूरे का लालच देकर इस्लाम से भटका रहे और उन्हें गलत रास्ते पर चला रहे। हम PFI की मुखालफत भी इसी बात को लेकर कर रहे थे कि PFI के लोग भी 72 हूरों का लालच देकर मुसलमान लड़कों को गुमराह कर रहे थे। कशिश वारसी का कहना है कि ये फिल्म आतंकवादी मानसिकता के ऊपर चोट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये फिल्म उन लोगों पर भी चोट है जो सही इस्लाम पेश नहीं कर रहे हैं और ये उनके मुँह पर तमाचा है। इसके आगे कुछ मुस्लिम समुदाय ने जानकारी देते हुए कहा कि वैसे तो वो फिल्म नहीं देखते लेकिन इस फिल्म को वो जरूर देखने जाएंगे। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिल्म देखने की अपील की। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान भरोसा दिलाया जाता है कि मरने के बाद जन्नत में उनकी सेवा 72 हूरे यानी कि 72 कुंवारी लड़कियां करेंगी। फिल्म को डायरेक्टर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह ने किया है। आमिर बशीर और पवन मल्होत्रा स्टारर 72 हूरे 7 जुलाई 2023 थिएटर में रिलीज होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।